नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, वे अब सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। चुनावी राज्य गुजरात के सुरेंद्र नगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कह दिया कि विपक्षी दल कांग्रेस चुनावों में विकास की बात ना करके उन्हें औकात दिखाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चुनाव में विकास की बात नहीं करती है और इसकी जगह कांग्रेस के नेता मुझे औकात दिखाने की बात करते हैं। उनका घमंड देखिए, निश्चित तौर पर वे एक शाही परिवार से हैं जबकि मैं जनसेवक हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने मेरे लिए मौत का सौदागर, नीच आदमी और नाली का कीड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं आपसे यानी कि कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि औकात की बात करने की जगह आप लोग विकास की बात करें। और मोदी ने यह भी कह दिया कि वो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका ध्यान भारत विकसित राष्ट्र बनाने में केंद्रित है। आज केंद्र सरकार की ओर से दूसरे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 हजार नए नियुक्तों कैंडिडेट को ही अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी इन कैंडिडेट को संबोधित भी करेंगे। और इससे पहले 22 अक्टूबर 2022 को पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। उस समय ही कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 हजार कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा था। बताते चले आपको कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी और ये घोषणा उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर की थी। और पीएमओ ने आज होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सोमवार को जानकारी दी थी कि जिन लोगों की नौकरी लगी है वे पूरे देश भर से हैं और इसके साथ ही इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देश के अलग अलग 45 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में सौंपे जाएंगे। पीएमओ ने यह भी बताया है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये होता है कि मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल कई बार लापरवाही बरतते हैं और इस वजह से मरीजों की मौत तक हो जाती है। ऐसा ही एक नज़ारा जालौन के मुख्यालय उरई में देखने को मिला है। यहाँ के कान्हा हॉस्पिटल में एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद इलाज में लापरवाही होने के बाद नवजात की मौत हो गई और इस दौरान ही परिजनों ने काफी हंगामा काटा। बाद में पुलिस ने पहुंचने पर ही मामले को शांत किया गया। वहीं ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों करता है? आखिर मोटा मुनाफा कमाने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है? बताते चले आपको कि पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड में मौजूद कान्हा हॉस्पिटल का है। यहाँ पर महिला ने एक नवजात जन्म दिया था और जिसके बाद इलाज न मिलने के अभाव में उसकी मौत हो गई और वही नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने समय से इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और वहीं उन्होंने शव को सड़क पर रख कर जाम भी लगा दिया। आपको बता दें, लोग गुस्साए हुए भी नजर आए हैं और पुलिस मौके पर पहुंची तो किसी तरह से परिजनों को समझाकर मामले को शांत करवाया गया है। वहीं सीएमओ जालौन का कहना है कि नवजात की मौत का मामला संज्ञान में है लेकिन कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और अपने स्तर पर जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में व्यवस्था पर सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते प्राइवेट अस्पतालों का धंधा फल फूल रहा है। वहीं सीएमओ जालौन एनडी शर्मा का कहना है कि नवजात शिशु का मामला संज्ञान में आया है, कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, अपने स्तर से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। विभाग में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल पंजीकृत है उनका रिन्यू समय से कराया जा रहा है। तो आपको जालौन से खबर बता रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताते चले आपको कि कार्रवाई के नाम पर पैसे खाने की बात सामने आ रही है और इसके साथ ही मरीज भी लगातार आरोप जो है लगा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये
हॉस्पिटल मौजूद है और इसके साथ ही हॉस्पिटल के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताते चले आपको कि पूरा मामला है उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड में मौजूद काना हॉस्पिटल का। यहां पर महिला ने एक नवजात को जन्म दिया था और उसके बाद इलाज न मिलने पर अभाव में ही उसकी मौत हो गई थी। और वहीं नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने समय से इलाज नहीं किया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं उन्होंने शव को सड़क पर ही रखकर जाम भी लगाया था। और आपको बता दें कि जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और किसी तरह से परिजनों को समझाकर मामले को शांत भी करवाया। सीएमओ जालौन का कहना है कि नवजात की मौत का मामला संज्ञान में है लेकिन कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अपने स्तर से जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी लेकिन ऐसे में व्यवस्था पर सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते प्राइवेट अस्पतालों का धंधा जो है वो तेजी से चल रहा है। और वहीं सीएमओ जालौन एनडी शर्मा का कहना है कि नवजात शिशु का मामला संज्ञान में आया है, कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, अपने स्तर से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। विभाग में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल पंजीकृत है उनका रिन्यू समय से कराया जा रहा है। मुझे भी मीडिया के माध्यम से कल अवगत कराया गया था, कुछ वीडियो भी देखे हैं परिवारजनों को रोड में बैठे हुए और कि किसी नवजात शिशु की मृत्यु हुई है उस अस्पताल में। अभी कोई उसमें हमें लिखित मिल जाए और ये या तो हम अपने स्तर से जानकारी कराएंगे और उसकी अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच करेंगे और उसके अनुसार नियमानुसार फिर कार्रवाई करेंगे। मथुरा जनपद में 18 नवंबर शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेस में की सर्विस रोड पर लाल रंग की एक ट्रॉली बैग में प्लास्टिक में पैक एक युवती का शव बरामद किया गया था और शव की शिनाख्त हो चुकी है। बता दें आपको कि मथुरा पुलिस ने मामले में कहा है कि आयुषी के पिता ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पता चला है कि लड़की दिल्ली के ही बदरपुर की रहने वाली थी और परिवार वालों ने ही इसकी हत्या की है और पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। मामले में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमें एक इनपुट मिला कि बच्ची बदरपुर की रहने वाली है और इस जानकारी के तहत ही पुलिस घर वालों तक पहुँच गई और वहाँ के उसकी माँ और भाई को यहाँ लाया गया और दोनों ने पहचान की और बताया कि ये उनके घर की ही लड़की है। बाद में जब माँ बाप और भाई से पूछताछ हुई तो चीज़ें संदिग्ध पाई गई। 17 तारीख को दिन में ही करीब 2 बजे के आसपास घर में ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोली मारी गई थी। इसके बाद शव को घर में छुपा दिया गया था। बाद में बाजार से एक सफ़ेद पन्नी खरीद कर लाया गया और उसी में रख कर ही उसे सूटकेस में पैक किया गया और 18 की सुबह 3 बजे के आसपास अपनी कार से हाईवे की तरफ चल पड़े और 5 बजे के आसपास ही हाईवे पर उनकी गाड़ी को ट्रैक भी किया गया। गाड़ी में माँ बाप आगे की सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं और 4 की क्रिस्टा गाड़ी, खोखे कारतूस और लाइसेंसी हथियार, रिवॉल्वर कारतूस, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तो आपको बता दें मथुरा से खबर है जहां पर आयुषी हत्या मामले का खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें कि आयुषी की हत्या उसके परिजनों द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि पिता के साथ साथ माँ का भी इसमें हाथ था और ये भी बताया जा रहा है कि हत्या के बाद ही सुबह 3 बजे अपने घर से निकले और जिसके बाद शव को सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। आपको बता दें कि मथुरा जनपद में 18 नवंबर की बात है ये और शुक्रवार को ही यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर लाल रंग के एक ट्रॉली बैग में ही प्लास्टिक में पैक एक युवती का शव बरामद किया गया था और जब उसकी शिनाख्त की गई तो मथुरा पुलिस ने मामले में कहा कि आयुषी के पिता ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। और आपको बता दें कि लड़की दिल्ली के ही बदरपुर की रहने वाली थी और परिवार वालों ने इसकी हत्या की है। पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है, उन्हें मेडिकल के लिए भी ले जाया गया है। मामले में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि उनका कहना है कि हमें एक इनपुट मिला था कि बच्ची बदरपुर की रहने वाली है और इस जानकारी के तहत पुलिस घर वालों तक पहुँच गई, वहाँ से उसकी माँ भाई को यहाँ लाया गया। दोनों ने पहचान की और बताया कि ये उनके घर की ही लड़की है। बाद में जब माँ बाप और भाई से पूछताछ हुई तो चीज़ें जो है वो संदिग्ध पाई गई जिसके बाद 17 तारीख को दिन में ही करीब 2 बजे के आसपास घर में ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोली मारी थी। इसके बाद शव को घर में छुपा दिया गया। बाद में
एक बाजार से सफ़ेद पन्नी खरीद कर लाया गया और उसी में रखकर उसे सूटकेस में पैक किया गया। 18 की सुबह 3 बजे के आसपास अपनी कार से हाईवे की तरफ चल पड़े और 5 बजे के आसपास ही हाईवे पर इनकी गाड़ी को ट्रैक भी कर लिया गया है और गाड़ी में माँ बाप आगे की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इनके पास से कारतूस और लाइसेंसी हथियार, रिवॉल्वर, कारतूस, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अमेठी में स्वास्थ्य शिक्षा राज्य मंत्री मयशंकर शरण की पहुंचे और अपने विधानसभा क्षेत्र के इनोहा नवसृत थाने का ही उद्घाटन किया है। शासन द्वारा अभी हाल ही में इन्होंने पुलिस चौकी को थाना बनाने के लिए शासन ने आदेश दिया था। मंत्री मयकेश्वर शरण सिंह ने ही इनोहा थाना पहुंचकर इन्हें जिले के ही 16वें नए थाना इनोहा का उद्घाटन किया है। मंत्री ने भगवान शिव का पूजा अर्चना कर थाने का उद्घाटन किया। क्षेत्र के चौकीदारों को अवगत देके ही सम्मानित किया गया है और कार्यक्रम में डीएम, एसपी और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर जनपद के ही कटरा थाना इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां भतीजे ने चाचा के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। बता दें आपको कि जमीनी विवाद को लेकर भाई भतीजे चाचा और बहोरन के हत्यारे बन गए हैं और दरअसल मामला जो है वो कटरा क्षेत्र के गांव छकड़ापुर का बताया जा रहा है, जहाँ जमीनी विवाद को लेकर राम बहोरन और उनके छोटे भाई उमेंद्र, सुरेंद्र और धर्मेंद्र शिवम का मेट को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद में उग्र रूप धारण तब हो गया जब भैंस बांध रहे बहोरन की छोटे भाई के लड़के ने ही सुरेंद्र, धर्मेंद्र और देवेंद्र ओमेंद्र ने राम बहोरन की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने कहा है कि पता चला है कि जमीनी विवाद को लेकर विवाद चल रहा था और सुबह जब बहोरन भैंसिया लेकर खूंटी से ही बांधने गया तो चारों भतीजे ने घेर कर राम बहोरन को लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का ये तक आरोप है कि कई बार डायल 112 को फोन लगाया, यहां तक कि जब डायल 112 से मदद ना मिली तो उन्होंने हल्का इंचार्ज थाना कटरा पर भी फोन कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ और घायल अवस्था में बहोरन को परिजन सीधे कटरा थाने लेकर आए जहां उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीण SSP संजीव कुमार वाजपेयी ने बताया है कि जमीन के विवाद को लेकर ही उनका काफ़ी समय पूर्व में बंटवारा हुआ था और जिसके बाद सुबह कुछ आपसी मनमुटाव हुआ और भतीजों ने चाचा की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कार्रवाई लगातार जारी। आपको बता दें शाहजहांपुर से खबर है जहाँ पर भतीजों ने चाचा की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से जहां पर हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद का मामला है। परिजनों का यहां तक आरोप है कि कई बार उन्होंने 112 को फोन लगाया, यहां तक कि जब 112 से मदद ना मिली तो उन्होंने हल्का इंचार्ज थाना कटरा पर भी फोन की मदद से गुहार लगाई है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ और घायल अवस्था में ही बहोरन को परिजन सीधे कटरा थाने ले गए और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीण SSP संजीव कुमार वाजपेयी ने बताया है कि जमीन के विवाद को लेकर उनका काफ़ी समय पहले से ही बंटवारा हुआ था और जिसके बाद सुबह कुछ आपसी मनमुटाव हुआ और भतीजों ने चाचा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थाना कटरा क्षेत्र के ग्राम छिकड़ापुर की घटना है। चाचा और भतीजे हैं, इनमें मकान का आपसी बंटवारा हुआ था और सहमत के आधार पर ही नींव भरी हुई थी। इसी बात पर आज सुबह कुछ वाद विवाद हुआ और इसी दौरान उनके भतीजे ने उनके डंडे मार दिए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पीलीभीत
पीलीभीत में देर शाम 4:30 बजे 3 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची और 4:30 बजे पुलिस लाइन में मौजूद हेलीपैड पर उनका उड़न खटोला उतरा है। वहीं DMIG और DIG कमिश्नर ने बूके देकर उनका स्वागत किया है। बता दें आपको कि BJP जिला अध्यक्ष पूरनपुर, BJP विधायक सहित जिला पंचायत अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे और पुलिस लाइन में सलामी दी गई और देर शाम 4:45 पर वाइफरफिकेशन के लिए भी काफिला रवाना हुआ। जनपद में 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों में राज्यपाल शिरकत करेंगी। जंगल का टाइगर रिजर्व का ही भ्रमण राज्यपाल करेंगी और रात विश्राम सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में ही करेंगी। तो पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दौरे पर ही पीलीभीत महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची हैं और इस दौरान वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बताते चले आपको कि दौरे पर ही पीलीभीत राज्यपाल आनंदीबेन हैं और 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करेंगी। पीलीभीत में ही देर शाम को वो 4:30 बजे 3 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची हैं और 4:30 बजे पुलिस लाइन में मौजूद हेलीपैड पर उनका उड़न खटोला उतरा है। और आपको बता दें कि DMIG और DIG कमिश्नर ने बूके देकर उनका जोरदार स्वागत किया है और BJP जिला अध्यक्ष पूरनपुर और BJP विधायक सहित जिला पंचायत अध्यक्ष ही मौके पर मौजूद रहे हैं और पुलिस लाइन में सलामी दी गई है। देर शाम 4:45 पर काफिला रवाना हुआ और जनपद में ही 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों में ही जो राज्यपाल शिरकत करेंगी। जंगल का टाइगर रिजर्व का भी भ्रमण राज्यपाल करेंगी और रात में अगर विश्राम की बात की जाए तो सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में राज्यपाल रुकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।